बस आवाज अब ठीक है। तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं खुद चली जाऊं। वैसे यार थैंक यू सो मच कि तुम आई, मम्मी को भी अच्छा लगा। थैंक यू की क्या बात है, आंटी से तो मिलना ही था मुझे वैसे भी, और अच्छा हुआ उनकी तबीयत भी पूछ ली मैंने। वैसे मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना था। मुझे थैंक यू, आप किस बात के लिए? तुमने अपनी जॉब की कुर्बानी देके रूज का घर बचा ली। यार दोस्ती में ना कुर्बानी देनी पड़ती, वरना ताल्लुक किसका? ताल्लुक, ताल्लुक तो उरूज और सलमान भाई का भी था, लेकिन उनके रिश्ते में तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं है, ना ही कोई टॉलरेंस ही। तुम सही कह रही, लेकिन मैं उरूज की साथी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहता। मुझे अम्मी ने भी यही कहा था कि औरत के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर मत करना, तो बस मैंने भी उरूज के मामले में यही किया था कि सलमान को कोई प्रॉब्लम ना हो। अमाद तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और देखना इसका सिला अल्लाह ताला तुम्हें खूब दे। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। तुम मेरे किस काम आ सकती हो? तुम एक काम करो, चट्टा मैं बेरोजगार हूँ ना यार, मुझसे रोज मिलने आ जाया करो। नहीं सुधरोगे ना तुम। अच्छा अभी तो मैं खड़ी खड़ी तुमसे मिलने आ गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तफसील से आऊंगी फिर आराम से बैठे। जब तक अपनी मामा का ख्याल है। थैंक यू, मैं चलती, लाफ्स। शांजे तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, सरप्राइज। अमाद के जाने के बाद से वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया होगा ना? हाँ काम तो बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी। सही कह रही हो, किसी के जाने से जो खला पैदा होता है वो फिल हो ही जाता है। मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। ठीक है वो? ठीक है वो, लेकिन यार उसकी मम्मा की तबीयत थोड़ी अपसेट चल रही है। हाँ और समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वो अपनी अम्मी का ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा। तुम उसकी दोस्त हो, हमदर्द हो, लेकिन उसके जाने से तुम्हारी फैमिली इश्यूज तो सॉल्व हो गए ना, ये अच्छा हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, उसको तो जॉब की सख्त जरूरत थी, रिजाइन करके चला गया। उरूज उससे तुम्हारे और सलमान भाई के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो चला गया। क्या? लेकिन उसे किसने बताया? वो मैंने बताया था। ओह माय गॉड शांजे, तुम स्टूपिड हो क्या यार? तुमने बताया क्यों उसे? फरूज उसे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे फैमिली के मसले तो हल नहीं हो सकते थे ना। अरे सलमान को मैं संभाल लेती, लेकिन तुम्हें उससे बताकर परेशान नहीं करना चाहिए था। यार मुझे जो ठीक लगा ना उस वक्त वो मैंने किया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस बेचारे पर। उरूज दोस्त है तो दोस्त के लिए कुर्बानी देता है ना। मैं उसे बता रही थी कि सलमान मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, और ये सब कुछ जानने के बाद वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। उरूज इन सारे मसलों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे फैमिलीज इशू है, ठीक है? अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें, मैं चलती हूँ अभी, मुझे अम्मी के लिए दवाई लेने जाके। कॉफी तो पियो,
यार नेक्स्ट टाइम अभी मुझे जाना है। ठीक है ठीक है, ख्याल रखो अपना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज़। हाफिज़। कैसे हो इमाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? सलमान साहब कैसे हैं और अकाउंट्स के मामलात? सब ठीक चल रहा है। तुम जॉब छोड़ के काफी खुश लग रहे हो मुझे। तुम तो जानती हो मुझे, मैं हमेशा खुश रहता। हाँ जानती तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से थी, मगर अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा जानती हूँ। गुड। वैसे जनाब मेरे बारे में क्या जान गई हैं? यही कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी है? यार मुझे लगा कि मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूं तो बस छोड़ दी। जस्ट शट अप इमान, तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा नहीं लगता? वैसे गुड, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। ख्याल करो, मशरे की लड़का हूं मैं। अच्छा बस कर दो, बातें मत बनाओ। मुझे शानजे ने सब कुछ बता दिया है कि तुम जॉब छोड़ के क्यों गए। शानजे चोलखून ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? जी हाँ। वैसे मैं शानजे का शुक्रगुजार हूँ कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने अनजाने में तुम लोग की जिंदगियों में जहर घोलने का सबब मैं बन रहा था। वैसे पूछना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या जवाब दोगे, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेती हूँ। दोबारा ऑफिस ज्वाइन करोगे? खुद कह रही हो कि मेरा जवाब जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। थैंक्स। बहुत जिद्दी हो तुम। चलो बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।